Hi everyone, welcome to my channel. So in today's video we are going to discuss some of the mathematical tools which are required in physics. मतलब physics में maths का एक बहुत बड़ा importance है, मतलब problems वगैरह solve करने में, ठीक है, situations को समझने में, कई concepts को समझने में there is an application of mathematics. So we are going to discuss few of the applications in this video, okay, and this series will continue for another 2 or 3 videos, okay. So mathematical tools, when I say mathematical tools, then we should consider these branches of mathematics. One is algebra, ठीक है, algebra का एक wide application है physics में. फिर आ गया trigonometry, ठीक है, trigonometry starting from मतलब laws of motion से लेकर optics तक, सेकेंड ईयर ऑप्टिक्स में भी बहुत एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है. फिर आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब थ्योरी ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, ठीक है, ये आपका मोशन इन वन डायमेंशन से स्टार्ट हो जाएगा इसका एप्लीकेशन. फिर आ गया आपका कैलकुलस. अब कैलकुलस के दो पार्ट है, एक हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस, कैलकुलस, और एक हो गया इंटीग्रल कैलकुलस. इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है. तो कैलकुलस के बारे में अभी हम लोगों ने मतलब टिल 10 ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, बट ये सब चीजें आप लोगों ने कुछ कुछ सुना होगा, अल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ कुछ क्या बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है. बट कैलकुलस एक एडिशनल चीज है जो मतलब मैथ्स में यू विल बी टॉट इन क्लास 12, बट फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन मतलब ऑलमोस्ट हर चैप्टर में है, ठीक है. तो कैलकुलस को भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है. नाउ आमतौर पे देखा गया है कि जो स्टूडेंट मतलब नीट की तैयारी करते हैं, नाउ वो लोग थोड़ा मैथ्स को इग्नोर करते हैं, ठीक है. तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि एटलीस्ट मतलब अगर आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ना भी हो, ठीक है, अगर आपने मैथ्स सब्जेक्ट नहीं रखा है बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, फुली प्रिपेयरिंग फॉर नीट, बट एटलीस्ट मतलब ये जो मैथमेटिकल टूल्स हैं इनका थोड़ा थोड़ा नॉलेज एटलीस्ट आपका होना चाहिए, ठीक है. इतना नॉलेज कि आप फिजिक्स के प्रॉब्लम्स कर सकें, ठीक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपके होने चाहिए, ठीक है. अब स्टार्टिंग हम लोग करते हैं यहाँ पे एलजेब्रा से, ठीक है. पहला टॉपिक आज इस वीडियो में हम देखेंगे एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है. सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एलजेब्रा. नाउ इन एलजेब्रा व्हेन वी राइट एन एलजेब्रिक इक्वेशन, like suppose I have written f of x is equal to a naught plus a1 x square plus a2 x cube and so on, okay. Now if I am calling this as a real polynomial, real polynomial, okay, to iska condition kya hoga, what will be the condition? Condition is a naught, a1, a2, all these are real numbers. ये सारे real number होने चाहिए, ठीक है. दूसरा condition क्या हुआ कि जो ये x है, x एक variable है, तो x किस तरह का variable होगा? X एक real variable होगा. Should be real variable, ठीक है. अच्छा, ये हो गया आपका real polynomial. अब अगर polynomial equation ऐसा है, suppose कर लीजिए f of x is equal to x cube plus x square plus twice x, ठीक है. और आपको अगर पूछ लिया कि what is the degree, तो यहां पे जो degree होगा, degree मतलब highest power, ठीक है. तो यहां पे highest power क्या है? 3. तो इसका मतलब इसका degree क्या होगा? इसका जो degree होगा वो क्या होगा? 3, ठीक है. अब मान लीजिए ऐसा है f of x is equal to x square y plus y square plus twice x, ऐसा अगर है, ठीक है. तो यहां पे देखिए इसका जो डिग्री है, x का डिग्री, x का पावर 2 है, तो यहां पे अगर डिग्री पूछ लिया तो डिग्री देखो यहां पे ऐसा होगा कि जो x का पावर है 2 है, y का पावर 1 है, तो इस केस में जो डिग्री होगा वो क्या होगा, ये इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, पावर को ऐड करना पड़ेगा, तो डिग्री विल बी 3, डिग्री विल बी 3, ठीक है. सो दिस हाउ टू फाइंड द डिग्री, ओके. नाउ अगर डिग्री 2 है किसी इक्वेशन का, सपोज कर लीजिए ऐसा कुछ इक्वेशन है 3x square plus twice x plus 1 is equal to 2. अगर ऐसा कोई इक्वेशन है, ठीक है, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 2 है. तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। तो मान लेते हैं कि वी हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर टू है, मतलब इसका डिग्री टू है। तो डिग्री अगर टू है तो सॉल्यूशंस कितने होंगे, सॉल्यूशंस भी यूजुअली दो होते हैं। तो सॉल्यूशंस मान लेते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो गया अल्फा और बीटा। ये जो सॉल्यूशंस होता है इसका और एक नाम है रूट्स। ठीक है, तो वेदर वी से सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और वी से रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इट मींस द सेम। ओके, सो हाउ टू गेट दिस वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। सपोज अल्फा इक्वल टू, अगर मैं लिख रहा हूं माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac by twice a, तो ये एक रूट हो गया। ठीक है, तो दूसरा रूट क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस ए। ठीक है, तो यहां से सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स होता अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो आप इसको और इसको अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस बी बाई, है कि नहीं। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हो गया सम ऑफ रूट्स, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द रूट्स। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस। मैंने तो बोल दिया कि मैथ्स का एप्लीकेशन फिजिक्स में होगा। ठीक है, और मैंने बोल दिया कि एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब हो रहा है। ठीक है, तो एल्जेब्रा का एक एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया कि स्पीड ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4। ठीक है, स्पीड पार्टिकल का स्पीड ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पे वी क्या है, वी इन मीटर पर सेकेंड, मतलब वी स्पीड है, और टी क्या है, टी टाइम, इट इज इन सेकेंड। पूछा गया है फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल कम्स टू मोमेंटरी रेस्ट। ठीक, पार्टिकल कम्स टू मोमेंटरी रेस्ट, तो उसका स्पीड कितना होगा, पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो स्पीड कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, अगर पार्टिकल यहां पे रेस्ट में आ रहा है, मोमेंटरी रेस्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू जीरो होगा, मतलब ये जो इक्वेशन है इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन इक्वल टू जीरो हो गया तो इसका मतलब हमको पूछा है कि फाइंड द टाइम, तो मतलब टाइम का वैल्यू चाहिए, तो इस इक्वेशन को जीरो कर दिया, मतलब और टी का वैल्यू चाहिए, है कि नहीं। तो ये कैसे निकलेगा, टी स्क्वायर, इसको 3t को कैसे लिखते हैं, 3t को हम लिखते हैं प्लस 4t माइनस टी माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, टी कॉमन लिया तो टी प्लस 4 माइनस 1, यहाँ पे टी प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, सो टी माइनस 1 t plus 4 is equal to 0. So t is equal to 1 second or t is equal to minus 4 second. Time second में है तो answer जो number आएगा वो second में होगा। अब time तो minus 4 second हो नहीं सकता। ठीक है, तो मतलब ये possible solution नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब time जब 1 second होगा तब speed क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे अगर हम substitute करके देखें हैं तो देखिए, अगर इसको यहाँ पे back substitute करते हैं just for the sake of checking, तो v is equal to क्या होता है, t यहाँ पे लिखा 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, फिर माइनस 4, सो दिस इज 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, स्पीड 0 हो रहा है, मतलब पार्टिकल उस टाइम में रेस्ट में। ठीक है, सो ये हो गया आपका, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग ने सॉल्व किया। ठीक है, ऑब्वियसली इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, मतलब जो रूट्स का फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस ए। ठीक है, बट अब ये ज्यादा सिंपल तरीका है इसलिए मैंने इसको यूज कर लिया। ठीक है, बट इसको ऐसे भी किया जा सकता था। ठीक है, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रा, दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ यही एप्लीकेशन है, बट दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रा इन फिजिक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो एल्जेब्रा में एक टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, उसका भी फिजिक्स में बहुत एप्लीकेशन है। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम को जानने से पहले बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। मतलब जैसे बाइनोमियल बाई मतलब टू, है, तो जैसे x plus y ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, या फिर है a plus 1 by b, तो इसमें दो एक्सप्रेशन मतलब दो टर्म्स है, एक x एक y, इसमें एक a एक b, तो ऐसे टर्म्स को बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमको समझ में आया क्या है, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है कि मान लेते हैं वी हैव दिस टर्म ऑफ द फॉर्म 1 plus x होल टू पावर n,
वन प्लस एक्स रेज़ टू पावर एन, ठीक है। यहाँ पे जो एन क्या है, एन एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है, एन एक निगेटिव नंबर, इट कैन ऑल्सो बी ए फ्रैक्शन, इट कैन ऑल्सो बी ए फ्रैक्शन, ठीक है। और x क्या है, x का वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में है, ठीक है। तो ये जो वन प्लस एक्स और n है, इसको हम लिखते हैं वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल टू का मतलब क्या है, फैक्टोरियल टू का मतलब है वन इंटू टू, फैक्टोरियल थ्री का मतलब है वन इंटू टू इंटू थ्री एंड सो ऑन। अच्छा, अब यहां पे इतना सारा चीजों का हमको जरूरत नहीं पड़ता है, हम फिजिक्स में कहां इसको यूज करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए जो x है हमारा वन से बहुत छोटा है, ठीक है, x अगर वन से बहुत छोटा है तो ऑब्वियसली ये जो एक्स स्क्वायर टर्म है, एक्स क्यूब टर्म है, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्स अगर जीरो पॉइंट, एक्स अगर मान लीजिए जीरो पॉइंट वन हो गया, और एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर जीरो पॉइंट जीरो वन होगा, ठीक है, मतलब वो और भी छोटा हो गया। तो इसका मतलब ये जो टर्म्स है, इन टर्म्स को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। तो निगलेक्ट अगर कर सकते हैं तो उस केस में हम लोग वन प्लस एक्स पावर एन को क्या लिखेंगे, वन प्लस एन एक्स, वन प्लस एन एक्स, तो हमारे काम का ये चीज है, ठीक है। बट ये कब यूज होगा, जब x 1 से बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो यहां पे इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके देखते हैं कि अगर यहां पे तो हमको मिल गया कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन हो गया 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। अगर ये 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन है तो ये जो x है ये तो माइनस हो गया, तो इसका मतलब यहां क्या लिखेंगे, 1 माइनस एन एक्स, मतलब क्या हो रहा है, ये जो पावर है ना इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये पावर को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन कंसिडर करना है। अगर आपके पास ऐसा है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस एन, तो ये माइनस एन माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। अगर ऐसा है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस एन, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स, ठीक है। तो इसका एक सिंपल एप्लीकेशन एक देख लेते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ से क्यूब रूट ऑफ 1001, ओके, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस, ओके, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। सो आई कैन राइट दिस एज 1000, सी 1001 कैन बी रिटन एज 1000 प्लस 1 रेज़ टू पावर 1 बाय 3, दैट इज क्यूब रूट ऑफ दिस, ओके। नाउ इफ आई टेक दिस 1000 आउटसाइड, सो इट विल बिकम 1000 रेज़ टू पावर 1 बाय 3, 1 प्लस 1 बाय 1000 रेज़ टू पावर 1 बाय 3, ओके। नाउ दिस 1000 रेज़ टू पावर 1 बाय 3, इट इज 10 क्यूब रेज़ टू पावर 1 बाय 3, सो दैट इज इक्वल टू 10, करेक्ट। सो दैट मींस द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी इज 10, ओके। नाउ इफ यू सी दिस, सी दिस टर्म, सेकंड टर्म, दिस टर्म इज वेरी मच लेस देन 1। नाउ सी 1 प्लस x पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, प्रोवाइडेड द कंडीशन इज x इज वेरी मच लेस देन 1, करेक्ट। सो x शुड बी वेरी मच लेस देन 1, इन दैट केस कंडीशन ओनली वी कैन राइट दिस। सो हियर आल्सो यू कैन सी दैट 1 बाय 1000, जो ये 1 बाय 1000 है वो 1 से बहुत छोटा है, इसका मतलब यहां पे मैं बायनोमियल थ्योरम यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर बायनोमियल थ्योरम यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये वैल्यू तो 10 आ गया, ये कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस x है, ये n है, ये 1 प्लस x पावर n क्या होता है, nx, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सो दिस इज 1 बाय 3000, ठीक है। सो y इक्वल टू कितना हो गया, 10 इनटू 3001 डिवाइड बाय 3000, सो ये जीरो कैंसिल हो गया, सो 3001 डिवाइड बाय 300, तो ये सिंपल डिवीजन करके हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज बाइनोमियल थ्योरम फॉर सिंप्लीफाइंग कैलकुलेशन, ठीक है। फिजिक्स में, और ये तो कैलकुलेशन का बात ही है, फिजिक्स में कहाँ यूज होता है वो भी एक चीज सिचुएशन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि दिस इज द सर्फेस ऑफ अर्थ, दिस इज सर्फेस ऑफ अर्थ एंड दिस इज सेंटर, सो ये रेडियस आर हो गया। तो अगर आप एच हाइट में है फ्रॉम द सर्फेस, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है, सपोज ये जी डैश है
और सरफेस वेट इज जी. नाउ दिस जी डैश इज रिलेटेड टू जी बाय द रिलेशन जी डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर. ओके, सो जी डैश इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, जी इज द वैल्यू ऑन द सर्फेस. ठीक है, सो दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन ग्रेविटेशन, बट जस्ट टू सी द एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम आई एम एक्सप्लेनिंग दिस. ओके, अच्छा नाउ सपोज एच इज वेरी मच स्मॉलर देन आर, मतलब वी आर सीइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लो हाइट. एच वेरी मच लेस देन आर का मतलब है हाइट रेडियस से बहुत छोटा है, तो इसका मतलब लो हाइट में ही होगा. ठीक है, एक किलोमीटर दो किलोमीटर ऐसे हाइट में, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर. ठीक है, अच्छा सो व्हेन एच इज वेरी मच लेस देन आर, हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम को कैसे यूज करेंगे. देखिए ये जो क्वांटिटी है इसको मैं लिखता हूँ g डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, नीचे में r को अगर कॉमन लेता हूं तो बाहर हो जाएगा वो r स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस h बाई r स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर r स्क्वायर कैंसिल हो गया. ठीक है, अब इसको मैं अगर ऊपर ले लिया हूं सो g डैश इक्वल टू g 1 प्लस h बाई r रेज टू पावर माइनस 2. ठीक है, 1 प्लस x रेज टू पावर माइनस n इज इक्वल टू क्या था 1 माइनस nx, x क्या है h बाई r, n क्या है माइनस 2. एच बाय आर जो है एच आर से बहुत छोटा है, एच आर से बहुत छोटा है या आर एच से बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ऑब्वियसली वन से छोटा होगा. ठीक है, वन प्लस एक्स की बाइनोमियल थ्योरम यूज करने के लिए एक्स शुड बी वेरी मच लेस देन वन, एक्स शुड बी वेरी मच लेस देन वन, एक्स वन से बहुत छोटा होना चाहिए. ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे अभी ये अगर बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं तो जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी वन माइनस ट्वाइस एच बाई आर. ठीक है, अब ये फॉर्मूला कब यूज करना है, लो हाइट में. तो ये कब हम लोग यूज कर पाएंगे, जब हम लोग को बाइनोमियल थ्योरम पता होगा, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम यूज किया है यहाँ पे मैंने. ठीक है, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स अबाउट एलजेब्रा. ठीक है, नेक्स्ट लेट अस प्रोसीड टू द टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली वी स्टडी द रेशियो ऑफ साइड्स. ओके, रेशियो ऑफ साइड्स एंड एट द सेम टाइम वी ऑल्सो स्टडी द एंगल्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल्स है वो हम लोग दो यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं एंगल को, या तो हम लोग रेडियन में एक्सप्रेस करते हैं रेडियन. ठीक है, या फिर डिग्री में. ठीक है, रेडियन में कैसे होता है, जैसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ये सर्कल है. ठीक है, ये सेंटर है और ये एक आर्क है. आर्क लेंथ यहां से यहां तक का सपोज ए बी, ए से बी है, दिस एंगल इज थीटा एंड रेडियस इज आर. ठीक है, तो ये जो थीटा है ये अगर रेडियन में हम लोग मेजर कर रहे हैं तो थीटा ये आर्क लेंथ और रेडियस के साथ कैसे रिलेटेड होगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस. तो यहां पे अगर थीटा इज इक्वल टू बी ए आर्क लेंथ बी ए डिवाइड बाय आर. ठीक है, आर्क लेंथ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी ए आर्क लेंथ डिवाइड बाय आर, आर इज द रेडियस. तो ये डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है जैसे अगर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री. सो दैट मींस 1 रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, 180 डिग्री बाय पाई, पाई का वैल्यू 3.14, तो 180 डिग्री डिवाइड बाय 3.14, सो डिवाइड करने से आपको मिलता है नियर अबाउट 57.3 डिग्री. सो दैट मींस 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री. सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री और डिग्री इनटू रेडियन. ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज हाउ एंगल्स आर मेजर्ड. ओके, अच्छा फिर कुछ जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो देख लेते हैं. मतलब जैसे एक हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये हो गया. फिर हो गया जैसे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, फिर हो गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी फॉर्मूले हैं सम ऑफ एंगल्स के, जैसे साइन ए प्लस बी.
ठीक है, साइन ए प्लस बी, सो दिस इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया. नाउ इफ यू हैव कॉस ए प्लस बी, इट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है. सिमिलरली इफ यू हैव टेन ए प्लस बी, सो इट इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी. ओके, सो नाउ फ्रॉम दीज वी कैन फाइंड सम एडिशनल फॉर्मूले ऑल्सो जो फिजिक्स में और यूज होते हैं. जैसे इफ आई राइट इंस्टेड ऑफ बी आई रिप्लेस इट बाई ए, तो ये साइन ए प्लस ए मतलब साइन टू ए हो जाएगा, ठीक है. सो इन दैट केस दिस विल बी साइन टू ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, मतलब साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए, ठीक है. ये एडिशन फॉर्मूला हो गया, कहां से आया, यहां से आया. सिमिलरली यहां पे अगर मैं बी की जगह पे ए लिखता हूं तो कॉस ए प्लस ए मतलब कॉस टू ए, सो कॉस टू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है. अब इसको लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को लिखते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए, सो दिस इज वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए टू साइन स्क्वायर ए. सिमिलरली आई कैन राइट दिस एज टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, तो मतलब कॉस टू ए जो है इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और आई कैन राइट कॉस टू ए इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, और आई कैन राइट कॉस टू ए इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है. अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं ए की जगह पे बी लिखता हूँ या बी की जगह पे ए लिखता हूँ तो ये टेन टू ए क्या हो जाएगा, टेन टू ए इज इक्वल टू टू टेन ए वन माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द पॉपुलर इक्वेशंस विच आर ऑफन यूज इन फिजिक्स. ओके, अच्छा अभी नेक्स्ट आते हैं जो आपका पॉपुलर एएसटीसी रूल, मतलब आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन. ओके, मतलब मैं जोक कर रहा हूँ, बैड जोक. मतलब अगर दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल को यहां से मेजर करना है तो ये 0 से 90 डिग्री यहां पे हो गया, ठीक है. सो दिस इज 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री से फिर यहां पे आए फिर और 90 डिग्री, तो यहां पे क्या हो गया 180 डिग्री, फिर 180 डिग्री से फिर 90 डिग्री गए 270 डिग्री, फिर यहां से वापस पहुंच गए, तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट किया था, ये 360 डिग्री पहुंच गए, ठीक है. तो अगर एंगल 0 90 डिग्री के बीच में है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 डिग्री 180 डिग्री के बीच में है, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, 180 डिग्री और 270 के बीच में है तो थर्ड क्वाड्रेंट, 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में है तो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव है, मतलब साइन कॉस टैन सबके पॉजिटिव होंगे, ठीक है. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन या फिर साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, साइन और कोसेक का वैल्यू यहां पे पॉजिटिव होगा, ठीक है. थर्ड क्वाड्रेंट ए एस टी सी, तो ए हो गया ऑल साइन, यहां पे क्या हो जाएगा टैन या फिर कॉट, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा कॉस, ठीक है, कॉस या सेक, ठीक है. सो इस हिसाब से यहां पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के वैल्यू पॉजिटिव होंगे, यहां पे सिर्फ साइन और कोसेक का होगा, यहां पे टैन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होगा तो कॉस और सेक इनका वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है. अब इसको यूज कैसे कर रहा है, देखिए मान लेते हैं आपके पास है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा. अब साइन 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब कहां है, साइन 90 डिग्री यहां हो गए और प्लस थीटा मतलब यहां पे हो गया, यहां पे इस क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ साइन ही पॉजिटिव है, ठीक है. अब यहां पे एक चीज आपको दिखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है ना साइन 90 डिग्री, मतलब साइन ये 90 डिग्री जो है इसको मैं लिखता हूं, सपोज सम एन इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है. अब ये जो एन है ये अगर ऑड है, ठीक है, ये अगर ऑड है तो साइन अगर होगा तो ये कॉस हो जाएगा, ठीक है, और अगर ये इवन है, ठीक है, मतलब जैसे सपोज कर लीजिए अगर हमारे पास होता साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये जो है ये साइन
2 into 90 degree plus theta, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, इस केस में ये साइन 1 into 90 degree plus theta हो रहा है, ठीक है। मतलब यहां पे जो ये n है वो ऑड है, यहां पे जो n है वो क्या हो रहा है, इवन हो रहा है, ठीक है। तो अगर n इवन है तो यहां पे अगर साइन टर्म है यहां पे हम लोग यहां पे क्या लिखते हैं, ये साइन ही है, तो साइन ऑफ थीटा, ठीक है। यहां पे अगर साइन है यहां पे ये ऑड टर्म है 1, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे। पहले वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जो आता है वो लिखिए, उसके बाद साइन को देना है। साइन को कैसे देंगे, अब साइन 90 degree plus theta कहां पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में से साइन ही पॉजिटिव है, हमारा तो कॉस मिल रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो साइन 90 plus theta क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। साइन यहां पे क्या, 2 into 90, तो अब ये तो इवन था इसलिए साइन आ रहा है। साइन 180 degree plus theta कहां पे है, यहां पे, यहां पे कौन पॉजिटिव होता है, यहां पे सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। सो इस तरह से आपको एंगल्स का अगर मतलब मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री या 180 डिग्री या 270 डिग्री है तो आपको इस हिसाब से वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है। सो आज जो हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया वो एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड था, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दिस आई विल गिव यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप वो प्रैक्टिस क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और जो मैंने आज चीजें डिस्कस की हैं उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही, इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, और उसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कैलकुलस पूरा, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस इन ए सिंगल वीडियो। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना भी अभी जरूरी है, ठीक है। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो।